हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में जो भी हम देखने वाले हैं वहां पे हम जो चार्ट का बेसिक ट्रेंड रहता है उसके साथ हम पैराबोलिक सार को मिलाएंगे। दोस्तों, पैराबोलिक सार एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, यानी कि जब भी कोई भी चार्ट पे ट्रेंड चेंज होता है तो ये इंडिकेटर हमें काम को आता है। जनरली कैसे रहता है, स्टॉप एंड रिवर्स, यानी कि आप कंसीडर कीजिए कि स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते वहां पे वो स्टॉप होता है और उसमें फिर रिवर्सल आता है, तो स्टॉप एंड रिवर्स, तो पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। तो इस तरह से ये इंडिकेटर को हम समझ सकते हैं कि जनरली अगर कोई भी चार्ट पे ट्रेंड चेंज बनता है तो पैराबोलिक सार हमें एक ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन देता है। अभी यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी चार्ट पे प्राइस एक्शन बनती रहती है और जो भी चार्ट पे ट्रेंड रहता है तो उसके साथ हम पैराबोलिक सार को किस तरह से मिला सकते हैं और हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिलाएंगे, ट्रेंड को मिलाएंगे, फिर कन्फर्मेशन देखेंगे, पैराबोलिक सार को कंबाइन करेंगे और उसके साथ रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जनरली हम किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, हर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमें थोड़ा मल्टीपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है तभी हम अच्छी तरह से ट्रेड कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैराबोलिक सार के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है तो खाली एक ही इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करें। ऐसा भी नहीं है कि हमें ट्रेंड के बारे में पता है तो हम खाली ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें, तो थोड़ा हम कन्फर्मेशन के लिए अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं और जहां पे हमें मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड मिल सके उस तरह का हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पे जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पे इससे भी इंपॉर्टेंट जो कि हमारी साइकोलॉजी रहती है, डिसिप्लिन रहता है, माइंड कंट्रोल रहता है, फिर उसके साथ रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, जो भी हमारा ट्रेडिंग सेटअप रहता है उसके हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए, माइंड कंट्रोल जिसे हम कहते हैं तो उसके हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ता है। कितने भी हम स्ट्रेटेजीज के साथ ट्रेड करें प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोई भी सिंपल सी स्ट्रेटेजी ले लीजिएगा, उसके साथ आप मनी मैनेजमेंट को अप्लाई कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड को इम्प्रूव कीजिएगा और आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करते करते ट्रेड कीजिएगा तो आप सिंपल सी स्ट्रेटेजी के साथ भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक माइंड गेम जैसा है तो आपको वहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो अभी ये वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरह से हमें करना है। वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियोज हम रेगुलरली अपलोड करते रहते उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। जनरली कुछ दिनों से हम दिन में दो बार वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्निंग में 11 बजे का हमारा वीडियो अपलोड होता है जहाँ पे हम लाइव बेसिस पे कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है क्या वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो आपके साथ इमीडिएट बेसिस पे शेयर करते हैं, तो वो लाइव वीडियो आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे। और शाम को हम एक जनरल वीडियो बना लेते हैं जहाँ पे हमें कुछ अलग स्टॉक में प्राइस एक्शन नजर आती है या तो कुछ नॉलेज एजुकेशनल पर्पज भी कुछ वीडियोज बनाते रहते हैं रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट, राइट। तो ये बात आप एक ध्यान में रख लीजिएगा। उसी के साथ दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना पसंद है और अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म के स्टॉक किस तरह से ढूंढे जाते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या रहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, वहां पे अगर आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा। वहां पे हमने हमारे मेंबरशिप प्लान्स के बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली आपके नॉलेज में भी गेन होगा और आपको अलग अलग चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर और स्ट्रेटजीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी ये वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। दोस्तों, अभी आपके सामने मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया है। अभी 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों, जनरली जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे एक ही चीज का इस्तेमाल ना करते हुए हम यहाँ पे मल्टीपल चीजों को कंबाइन करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी ट्रेडिंग की टर्मिनल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एडलविस का TX3 का प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अगर आपको एडलविस में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाद में आपको इस तरह का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा जो कि एक डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हम
प्राइस एक्शन को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे, फिर एज ए इंडिकेटर यहाँ पे हम पैराबोलिक स्टार देख रहे तो उसको भी देखेंगे और उसके हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वो पूरी चीजें कंबाइन करके बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अभी ये रिलायंस की क्लोजिंग इस तरह से हुई है, अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस तरह से ट्रेड करना है और अगले दिन में भी हमें किस तरह से इसमें ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं, यानी कि कल के दिन में भी हमें रिलायंस में किस तरह के ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं वो भी बताता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला ट्रेड था वो किस तरह से था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक रिलायंस का एक रीजन था, अपर रीजन, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की, उसी के साथ देखेंगे तो यहाँ पे उसका एक लोअर रीजन था। रिलायंस ये दायरे में साइडवे में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, तो ये नीचे वाली लेवल जो थी हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट कर रही थी एज अ सपोर्ट रिलायंस के लिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया एक बार रिटेस्ट किया और फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, यहाँ पे फिर से रिटेस्ट किया, फिर से अपर साइड की मूवमेंट आ गई, लेकिन ये कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल ने फर्दर ब्रेक डाउन दिया था। तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिला था सपोर्ट के ब्रेकडाउन का। तो यहाँ पे हमें दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जब भी इस तरह के स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक डाउन होते हैं तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल कब करना है, ये कैंडल ने हमें ब्रेक डाउन दिया तो इमीडिएट बेसिस पे अगले कैंडल पे ओपनिंग पे ही सेल करेंगे तो आप वहाँ पे फंसने की संभावना रहती है, क्योंकि जनरली रिटेस्ट होता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा पीसफुली पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। जब भी कोई भी कैंडल इस तरह के स्ट्रांग सपोर्ट को ब्रेक डाउन देती है तो अगले कैंडल ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर की जो प्राइस है जहाँ पे ब्रेकडाउन मिला था, ये प्राइस रेंज आप देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी हमने मार्कआउट की है उसकी प्राइस रेंज आप देख लीजिएगा और वो प्राइस रेंज पे आप लिमिट प्राइस लगा सकते हैं सेलिंग की, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद इसमें सेल होगा, स्टॉप लॉस प्राइस आप इसमें लगा सकते हैं। किस तरह से आप सेल करते हैं, तो या तो आपको मार्केट प्राइस में ही करना है तो आप थोड़ा वॉच कर लीजिए और जहाँ पे भी स्टॉक ऊपर जाकर ये लेवल को हिट करेगा वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये करना है कि यहाँ पे ओपनिंग के बाद सेल नहीं करना है, आपको थोड़ा स्टॉक को ऊपर जाने देना है और यहाँ पे आने के बाद जब भी इसे हिट करेगा आपको सेल करना है। इससे क्या होगा कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपका परसेंटेज वाइज जो भी गेन रहता है अगर स्टॉक आपकी डायरेक्शन में जाता है वो मैक्सिमम मिलने की संभावना रहती है। तो ये लेवल पे जैसे जाएगा आप यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे आप सेल करेंगे तो आपको यहाँ से खाली आधे परसेंट का स्टॉप लॉस ऊपर लगाना है, तो आपकी रिस्क हो रही है खाली आधे परसेंट की। और आपका रिवॉर्ड आप यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने कहा कि पैराबोलिक सार हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, पहले साइडवेज ट्रेंड चल रहा था, इसको ब्रेक डाउन दिया तो इसने साइडवेज ट्रेंड को कन्वर्ट किया डाउन ट्रेंड में, तो इसमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन हमें मिल गया जब भी ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, तो हमने यहाँ पे सपोर्ट और ट्रेंड को कंबाइन किया और यहाँ पे हमने सेलिंग की। उसके बाद दोस्तों पैराबोलिक सार हम जनरली कोई भी चार्ट पे अगर हमें ट्रेलिंग करना हो तो हम पैराबोलिक सार का इस्तेमाल करते हैं। अभी वो किस तरह से करना है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर ड्रॉ करता हूँ पैराबोलिक सार, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराबोलिक सार को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है, और इसको एज इट इज जो भी सेटिंग है वो रखकर यहाँ पे इसे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे पैराबोलिक सार इस तरह से प्रिपेयर हुआ चार्ट पे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमने यहाँ पे ये पैराबोलिक सार ने भी हमें कंफर्मेशन दिया था, ये ब्रेक डाउन की कैंडल थी, पैराबोलिक सार भी यहाँ पे ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, राइट, या पैराबोलिक सार ऊपर ट्रेड कर रहा था कैंडल के। दोस्तों अगर आपको पैराबोलिक सार का बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में मैं एक वीडियो दे रहा हूँ पैराबोलिक सार का बेसिक इन्फॉर्मेशन, उससे आपको मिल जाएगा जो पैराबोलिक सार जो इंडिकेटर वो बेसिक उसके उसका बेसिक क्या है, वो किस तरह से वर्कआउट होता है, वो आप आई बटन में जो भी वीडियो में दे रहा हूँ वहां से वो देख लीजिएगा, आपको वहां से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे पैराबोलिक सार ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया, हमें सेलिंग का इंडिकेशन मिला था, फर्दर उसने सपोर्ट भी ब्रेक डाउन दिया, फर्दर उसने साइडवे ट्रेंड का भी कन्वर्जन डाउन ट्रेंड में किया, तो हमने क्या कर लिया कि अगले कैंडल में जब भी ये कैंडल रिटेस्ट हुई है हमारे ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के पास तो हमने यहाँ पे सेलिंग किया आधे परसेंट का, आधे से पौन परसेंट मैक्सिमम। दोस्तों 1% का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लेकिन आपको 2% का रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन इंट्राडे में उतनी मूवमेंट आने की संभावना बहुत ही कम रहती, तो आप आधे परसेंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉक में आधे 1.5-2% की भी मूवमेंट आएगी तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़ने की संभावना रहती है। तो कम से कम रिस्क रिवॉर्ड यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क के साथ ट्रेड करने के लिए और कम से कम स्टॉप लॉस का डिस्टेंस रखने के लिए हमें थोड़ा कभी भी जो भी स्टॉक रहता है उसको रिटेस्ट करने देना चाहिए हमारे रेजिस्टेंस पे, जब भी रिटेस्ट करेगा हमें अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी। तो आधे परसेंट का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और उसके बाद ट्रेलिंग के लिए जो भी पैराबोलिक सार हमारा इंडिकेटर है उसे हम ट्रेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से करना है, जब तक पैराबोलिक सार ऊपर है तब तक हम कहेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में, और जब भी पैराबोलिक सार नीचे शिफ्ट हो जाएगा हम कह सकते हैं कि उसने स्टॉप एंड रिवर्स यानी कि डाउन ट्रेंड को स्टॉप किया और ये रिवर्स होने की इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पे हम फिर से इसमें पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि हमने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया तो जब तक हमारा पैराबोलिक सार ऊपर है
तब तक हम इसमें पोजीशन होल्ड करेंगे। जब ये पैराबोलिक सार ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाएगा कैंडल स्टिक्स के, तो हम इसमें की पोजीशन क्लियर करेंगे। तो इस तरह से ट्रेलिंग करने के लिए हम पैराबोलिक सार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पैराबोलिक सार के जो शिफ्टिंग है उसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो जाता है कि पैराबोलिक सार एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और इस तरह के साइडवे मार्केट में, चॉपी मार्केट में आप पैराबोलिक सार को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बार ये फेल्योर सिग्नल दे देगा, रॉन्ग सिग्नल देगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बार हिट होगा। तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह के मार्केट में पैराबोलिक सार को इस्तेमाल करना है अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं। तो बेटर ये हो जाता है कि आप थोड़ी मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन कीजिए और इस तरह से ब्रेकआउट पे, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कीजिए, और पैराबोलिक सार को खाली आप ट्रेडिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कीजिए तो भी चलेगा, आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। अभी यहाँ पे मैं अगला सिनेरियो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस ने किस तरह से वर्कआउट किया है, और अगले दिन में हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा जो भी हमने इंडिकेटर्स ड्रॉ किए थे उसे निकाल देता हूँ, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी उसे निकाल देता हूँ, पैराबोलिक सार को हम रहने देंगे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख लेते तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जो भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की है यहाँ पे वो उसने सपोर्ट फॉलो किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, नीचे आया था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ऊपर के साइड में मूवमेंट आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। खाली हम इतना ही चार्ट देखते तो यहाँ पे जिस तरह से डबल बॉटम पैटर्न रहता है उस तरह का पैटर्न रिलायंस ने यहाँ पे बना दिया 5 मिनट के चार्ट पे। अभी जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि यहाँ से रिलायंस में डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ रही थी, रिलायंस यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रिवर्सल का इंडिकेशन मिल गया, डबल बॉटम पैटर्न बन गया, तो यहाँ से हमें रिलायंस में बाइंग करनी है। अभी अगले दिन में रिलायंस में ट्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैं एक और एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ। अभी ये ओपनिंग में भी किस तरह से ओपन होता है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे उसने एक स्विंग का लो बना दिया, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से रिलायंस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से रिलायंस में हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हो गई, उसने एक यहाँ पे एक हायर बॉटम बना दिया है। दोस्तों अभी यहाँ पे मैं एक सिचुएशन आपको बता देता हूँ, अगर रिलायंस हमें ये लेवल के ऊपर मिलता है ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे एक मिनट आपको फिर से अच्छी तरह से बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये दायरे के ऊपर अगर रिलायंस ट्रेड करने लगता है तो इसमें अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे हायर टॉप बन गया, हायर बॉटम बन गया, और अगर रिलायंस इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो ये प्रीवियस जो यहाँ पे टॉप बना था हायर टॉप उसको ब्रेक करेगा और भी हायर टॉप बनाने की कोशिश करेगा। हमारा पैराबोलिक सार भी नीचे, तो ये भी हमें बाइंग के सिग्नल दे रहा है। जैसे ही रिलायंस ये जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा और एक बार हमें ये लेवल पे मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेगा, यानी कि ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, कंसिडर कीजिए कि रिलायंस का ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी ये रिलायंस रिटेस्ट देता है तो रिटेस्ट देने के बाद यहाँ पे बाय कर सकते हैं, 0.5% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, कैंडल किस तरह से क्लोज होते हैं, किस तरह से ओपन होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। दोस्तों ब्लाइंडली नहीं करना है, कभी कभी गैप अप होकर यहाँ पे ओपन हुआ तो हमें ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड नहीं करना है, हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि एक सिचुएशन कंसिडर कीजिए कि ये लेवल पे क्लोज हुआ है लास्ट डे में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, अगर इस पे ब्रेकआउट मिलता है, क्लोज होता है, तो जब भी रिटेस्ट करेगा ये लेवल पे, फिर से नीचे आएगा, ये लेवल को रिटेस्ट करेगा, हम यहाँ पे बाय करेंगे, 0.5% का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जब तक हमारा पैराबोलिक सार नीचे है तब तक हम इसमें होल्ड करेंगे, ट्रेल करेंगे, और जब भी हमारा पैराबोलिक सार शिफ्ट होगा हम इसमें की पोजीशन निकाल देंगे। या तो अगर आपको लगता है कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड है रिजल्ट पे और आपको लग रहा है कि यहाँ पे निकाल देना चाहे, तो ऐसी बात नहीं है कि पैराबोलिक सार का ही वेट करें, आपको कम से कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो आप वहाँ पे भी निकल सकते हैं। तो एक कल के दिन में आप थोड़ा सोच समझ कर इसमें ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इतना कहूंगा कि जैसे ये लेवल को हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगा रिलायंस, इसमें अपर साइड की मूवमेंट आएगी और रिलायंस ऊपर जाने की संभावना लग रही है। लेकिन दोस्तों और एक बात बताऊं कि मार्केट में पैनिक है, निफ्टी का चार्ट थोड़ा बेयरिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी बेयरिश दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें बाइंग के मौके दिख रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा अलर्ट रहकर ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन के साथ ट्रेड करेंगे तो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन अलग है और स्टॉक का डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम मिलने की संभावना नहीं रहती और रिस्क बढ़ने, यानी कि रिस्क ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, थोड़ा समझ कर हमें ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में मैंने जिस तरह से बताने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा, इसमें आप फर्दर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।